देश की आजादी के रंग में डूबा भारत, पीएम मोदी ने लाल किले से दिया संबोधन। लाल किले से मणिपुर पर क्या बोले प्रधानमंत्री? 90 मिनट के भाषण में किन अहम मुद्दों पर बोले पीएम? पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया। इस दौरान 21 तोपों की सलामी भी दी गई। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में क्या प्रमुख बातें कही। सबसे पहले पीएम मोदी ने सभी देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा, इतना बड़ा देश, 140 करोड़ मेरे भाई बहन, मेरे परिवारजन आज आजादी का पर्व मना रहे हैं। मैं देश के कोटि कोटि जनों को, देश और दुनिया में भारत को प्यार करने वाले, भारत का सम्मान करने वाले समस्त जनों को इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देश की आजादी की जंग में जिस जिसने बलिदान दिया है, तपस्या की है, मैं उन्हें आदर पूर्वक नमन और अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते हुए श्रद्धांजलि भी दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वालों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि देश के अनेक हिस्सों में भीषण संकट पैदा हुए, जो परिवार इस संकट से होकर गुजरे, मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। राज्य और केंद्र सरकार मिलकर तेजी से काम कर रही हैं। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर हिंसा का भी जिक्र किया। मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। मणिपुर के लोगों ने कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उसको आगे बढ़ाए रखने की ज़रूरत है। शांति से ही समाधान का रास्ता निकलता है। केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर काम कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 1000 साल की गुलामी के बाद देश अब संवर रहा है। वीरों ने इस कालखंड में कोई भूभाग ऐसा नहीं था, कोई ऐसा समय नहीं था जब उन्होंने देश की आज़ादी की लौ को जलते हुए न रखा हो। माँ भारती बेड़ियों से मुक्त होने के लिए उठ खड़ी हुई थी, जंजीरों को झकझोर रही थी। देश की नारी शक्ति से लेकर कोई हिंदुस्तानी ऐसा नहीं था जो आज़ादी के सपने को लेकर ना जीता हो। त्याग और तपस्या का वो व्यापक रूप, एक नया विश्वास जगाने वाला वो पल, आखिरकार 1947 में देश आज़ाद हुआ। 1000 साल की गुलामी में संजोए हुए सपने देश ने सवरते हुए देखे। मैं देख रहा हूँ कि एक बार फिर से देश के सामने एक मौका आया है। यह अमृतकाल का पहला वर्ष है। या तो हम जवानी में जी रहे हैं, या हम इस कालखंड में जी रहे हैं। सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के लिए काम करेंगे। मोदी ने कहा, विश्व भर में भारत की चेतना के प्रति, भारत के सामर्थ्य के प्रति एक नया आकर्षण, एक नया विश्वास पैदा हुआ है। ये प्रकाश पुंज भारत से उठा है, जो विश्व अपने लिए ज्योति के रूप में देख रहा है। हम जो भी करेंगे, जो भी कदम उठाएंगे, जो भी फैसला लेंगे, वो अगले 1000 साल तक अपनी दिशा निर्धारित करने वाला है, भारत के भाग्य को लिखने वाला है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर एक साल में 2 बार तिरंगा फहराकर इतिहास रचा था। 2018 में आज़ाद हिंद सरकार की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर लाल किले में खास कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मोदी ने साल में दूसरी बार लाल किले पर तिरंगा फहराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की सबसे अहम और मुख्य बात आपको क्या लगी, वो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।